खैर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं ठीक हूँ दोस्तों, अल्लाह करम से आप लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों ये सुबह का टाइम है, चाय के लिए पानी रख दिया था, अगर बंद सरसों पत्ती भी डाल दी थी। सुबह क्या एक गर्म पानी पीती हूँ, तो ज़्यादा तो नहीं, एक कप पीती हूँ, तो पहले पानी निकाल लेती हूँ मेरे लिए और फिर चाय बनाती हूँ हम लोग। दे रही थी कि बाहर धूप वाला आवाज जाएगा, आ जाइए दोस्तों। गर्मा गर्म पराठे दही के साथ किसी को खाना है। ये देखिए दोस्तों, ये है फिश, तो फिश का सामान पक रहा है। और ये थोड़ी सी निकालनी है तलने के लिए। बच्चे इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, वो मसाले की मछली तो खाते ही नहीं है। तो आज इसमें मैंने ना बेसन वाला मसाला नहीं लिया, इसमें सिर्फ नमक मिर्ची है और थोड़ा सा अदरक लहसुन जो इसमें मसाले में डाली थी, वही वाला अदरक लहसुन प्याज का थोड़ा सा एक चम्मच इसमें डाल दी थी और गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। ये मछली को मैंने तेल डाल के मेथी दाना डाल दी थी आधे चम्मच से कम, और फिर पिसा हुआ मसाला अदरक लहसुन प्याज डाल के थोड़ी देर भून जाता था, और फिर सूखे मसाले डाल दी थी सभी। अब ये मसाला हो जाए, और ये धुली रखी नमक लगी हुई, फिर जब डालेंगे तो इसको धो लेंगे एक बार और फिर डाल देंगे मसाले में। ये देखिए दोस्तों, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आलू की सूखी वाली सब्जी बना रही हूँ। इतनी अच्छी मछली का सालन और मछली तल के दी इन लोग को, पर बच्चों ने एक गोटी से दूध भी नहीं खाया, फिर इनका भी भूखे रहेंगे। तो उनके लिए ना तीन चार फुट भूखे मेरे घर से आलू थे, उसका फिर हरी मिर्ची प्याज टमाटर डाल के उसको भुजिया बना कर दी हूँ। मैं फिर ताते हूँ बच्चों, चिकन खा लेते हैं पर ये मछली नहीं खाते हैं।